दोस्तों, अगर आप भी बांग्लादेश के खिलाफ पहले वार्म अप मैच में भारत की जीत से खुश हो तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा। दोस्तों, भारत के खिलाफ पहले वार्म अप मैच में मिली शर्मनाक हार तो फूट फूट कर रो पड़े शाकिब अल हसन ने। ऋषभ पंत की ताबड़तोड़ बल्लेबाजी और अर्शदीप सिंह की चमत्कारी गेंदबाजी पर जो कहा वो सुनकर पूरा भारत देश कर रहा है सलाम। तो दोस्तों, आखिरकार शाकिब अल हसन ने ऐसा क्या कह दिया ऋषभ पंत की ताबड़तोड़ बल्लेबाजी देख लेने के बाद, वो तो सुने बिना आप भी कहीं मत जाइएगा। लेकिन उससे पहले आप सभी को क्या लगता है कि रोहित शर्मा, ऋषभ पंत और सूर्य कुमार यादव में से कौन अच्छा बल्लेबाज है? अपनी कीमती राय हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो चलिए अब शुरू करते हैं वीडियो। दोस्तों, जैसे कि आप सभी तो जानते हैं कि भारत और बांग्लादेश के बीच पहला वार्म अप मुकाबला यूएसए स्थित नसाऊ काउंटी इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम पर खेला गया, जहां इस मैच में भारतीय टीम के कप्तान रोहित शर्मा ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला चुना। यहां पर टीम इंडिया ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 5 विकेट के नुकसान पर 182 रन बनाए। यहां पर टीम इंडिया के लिए सबसे ज्यादा रन की पारी ऋषभ पंत के बल्ले से निकली, जिन्होंने 53 रन बनाए। तो वहीं रोहित शर्मा ने 23, सूर्य कुमार यादव ने 31 और हार्दिक पांड्या ने 40 रन की पारी खेलकर अपनी टीम को इस मैच में मजबूत स्थिति में पहुंचाया। अब दोस्तों, बारी थी बांग्लादेश टीम के बल्लेबाजों की इस मैदान पर चमत्कार कर दिखाने की। लेकिन दोस्तों, बांग्लादेश की टीम इतनी फिसड्डी हमारी गेंदबाजी के आगे निकलेगी इसका अंदाजा किसी को नहीं था। हुआ ये कि जब तंजीद हसन और सौम्या सरकार ने पारी की शुरुआत की तो यहाँ पर पहला बड़ा झटका पहले ही ओवर की चौथी गेंद पर अर्शदीप सिंह ने सौम्या सरकार को अंदर आती हुई गेंद पर ऋषभ पंत के हाथों कैच आउट करवा के दिया और ये विकेट गिर जाने के बाद बांग्लादेश की पारी पूरी तरह से कोलैप्स हो गई। यहाँ पर लिटन दास मात्र 6 रन बनाकर आउट हुए। तो वहीं नजमुल हुसैन शांटू, जो कि इनकी टीम के कप्तान है, वो भी बिना खाता खोले ही चलते बने। तो तौहीद हरिदोई ने 13 रन बनाए और तंजीद हसन ने 17 रन की पारी खेलकर ये पांचवा बड़ा विकेट जब गवाया था, तब मात्र बांग्लादेश की टीम 41 रन ही बना पाई थी। अब शाकिब अल हसन और महमदुल्ला पर पूरा दारोमदार था इस मैच को अपनी टीम के लिए जिताने का। लेकिन दोस्तों, जब तक बांग्लादेश की टीम संभल पाती तब तक काफी देर हो चुकी थी। बांग्लादेश की टीम इस मुकाबले में काफी पिछड़ चुकी थी और मैच पूरी तरह से भारत के काबू में था। और दोस्तों, हुआ वही बांग्लादेश की टीम के साथ जिनका उनको डर था। दरअसल इस मैच में भारतीय क्रिकेट टीम ने बड़ी आसानी से इस मैच को अपने नाम किया और बांग्लादेश के हाथ में पहले ही वार्म अप मैच में हार परोस दी। अब दोस्तों, यहाँ पर हर कोई यही सोच रहा था कि बांग्लादेश की टीम इस मुकाबले में भारत की टीम को टक्कर देगी। लेकिन 63 रन से मिली शर्मनाक हार के बाद बांग्लादेश की तैयारियां पूरी दुनिया के आगे आ गई है कि आखिरकार वो क्या तैयारी करके वर्ल्ड कप में उतरे हैं। और दोस्तों, वहीं दूसरी तरफ हमारा भारत इस बार पूरी तैयारी में है वर्ल्ड कप 2024 का खिताब उठाने के लिए। बाकी हम आपको बता दें कि इस मुकाबले में मिली शर्मनाक हार के बाद उनकी टीम के खिलाड़ी शाकिब अल हसन पूरी तरह से रो पड़े और उन्होंने भारतीय खिलाड़ियों से अपील की कि आप ऐसा वार्म अप मैच में ना खेला करिए। जी हां दोस्तों, यहां पर शाकिब अल हसन कहते हैं कि मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि हमारी टीम इतना करीब आकर भारत की टीम से हारेगी। इस साल हम T20 वर्ल्ड कप जीतने के लिए यूएसए आए हैं। हमने वार्म अप मैच में जीतने के साथ अपना आगाज करना था, लेकिन भारत की टीम से मैच जीतना हमारे लिए मुश्किल ही नहीं, अभी भी नामुमकिन है। हमारे खिलाड़ी भारत जैसी मजबूत टीम के आगे कुछ कर नहीं पाते। पहले उनके बल्लेबाज ऋषभ पंत ने जल्दी विकेट गिर जाने के बाद जिस तरह से पारी को संभाला, वहां से पूरा मैच पलट गया। अगर हम भारत की टीम को 120-150 रन पर रोक लेते तो यह मैच हम आसानी से जीत सकते थे। और फिर गेंदबाजी में अर्शदीप सिंह ने शुरुआत में हमारे विकेट लेकर पूरा मैच हमसे छीन लिया। अभी तो मैच में विराट कोहली, रोहित शर्मा, यशस्वी जायसवाल जैसे बल्लेबाजों ने इनकी तरफ से अच्छा प्रदर्शन नहीं किया और कुछ तो खेले ही नहीं। लेकिन जब मैं सोच रहा हूँ पूरी टीम एक साथ एकजुट हो जाएगी तो न जाने ये हमारी टीम का क्या हाल करेंगे। और हो सकता है कि इस बार तो T20 वर्ल्ड कप में भारत की टीम 300 रन भी बना दे, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है। तो दोस्तों, यहाँ पर शाकिब अल हसन ने तो ऐसा कहकर ही लाखों करोड़ों हिंदुस्तानियों का दिल जीत लिया। लेकिन अब आप क्या मानते हैं कि शाकिब अल हसन जो कह रहे हैं वो सही है फिर गलत? अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा।